हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिशान और आज मैं आपको बताऊंगा कि CP+ के DVR का पैटर्न लॉक और एडमिन पासवर्ड किस तरह से चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें DVR के मेन मेन्यू में जाना है। पहले हम इसका पुराना वाला जो ओल्ड पासवर्ड जो कि इसमें पैटर्न लॉक ऑलरेडी डला हुआ है, हम उसको डालकर देखते हैं। तो ये मेरा पहला पासवर्ड है। इसके बाद हम फिर से दोबारा मेन मेन्यू में जाते हैं। मेन मेन्यू में जाने के बाद दोस्तों हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा इसके दोबारा सेटिंग में। सेटिंग के अंदर एक सेटिंग होती है, उसमें जाना होता है। इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन आता है दोस्तों अकाउंट। अकाउंट में क्लिक करने के बाद हमें अकाउंट मॉडिफाई पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है अनलॉक पैटर्न। अगर इस आइकन, ये जो रेड आइकन है, अगर हम इसको हटा दें तो हमारा पैटर्न लॉक ही लगना बंद हो जाएगा। और अगर इसको हमें चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करके हम इसका पैटर्न लॉक चेंज कर सकते हैं। अभी हमसे मांग रहा है कि न्यू पैटर्न लॉक ड्रॉ करें, जो भी हमें न्यू करना है। तो हमने इसमें दोबारा ड्रॉ करना है इसको। मैंने इसको दोबारा ड्रॉ करके अब सेव कर दिया है। तो अब एक बार इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करके अब दोबारा से मेन मेन्यू खोलते हैं तो अब हमसे ये पैटर्न लॉक मांगेगा। तो पहले इसका हम ओल्ड पैटर्न लॉक डालकर देख लेते हैं, उससे ये इनवैलिड बता रहा है। अब हम नया पैटर्न लॉक डालकर देखते हैं, इससे ये खुल गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो DVR का पैटर्न लॉक था वो चेंज हो चुका है। अब इसी तरह से दोस्तों हम इसका एडमिन पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हैं, तो दोबारा से हमें वहीं पर जाना होगा मेन मेन्यू और सेटिंग के अंदर। फिर से हमें अकाउंट में जाना होगा। अकाउंट में जाने के बाद इसको दोबारा से मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर आएगा हमारा मॉडिफाई पासवर्ड। मॉडिफाई पासवर्ड पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद हमें इसका जो DVR का पुराना पासवर्ड है वो इस पर डालना है। मेरे DVR का जो पासवर्ड है वो admin123 है। तो मैंने इसमें पहले पुराना पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं इसमें नया पासवर्ड क्लिक कर देता हूँ। तो मैं नया पासवर्ड इसमें डाल रहा हूँ admin@123। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी हमें सेम डालना है admin@123। तो ये मैंने इसको कन्फर्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वापस से आते हैं, दोबारा लॉग आउट करते हैं इसको। अब देखते हैं इसका हम कि एडमिन पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं। अब हम इसमें नया पासवर्ड डाल देते हैं admin@123। अगर ये चेंज हुआ है तो ये खुल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा इस तरह से एडमिन पासवर्ड भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।